एक बार एक संत महात्मा भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे। वो सभी देवी देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की आराधना विशेष रूप से करते। वो हर दिन चावल की खीर बनाकर चढ़ाना नहीं भूलते और हमेशा कहते कि हे ईश्वर, आप आए और भोग लगाएं। ऐसा कहते कहते अनंत साल बीत गए, लेकिन ईश्वर कभी नहीं आए। एक दिन वो हताश होकर सोचने लगी कि ईश्वर को मैं नित्य प्रतिदिन खीर का भोग लगाता हूँ, लेकिन ईश्वर कभी नहीं आते मेरा भोजन ग्रहण करने के लिए। एक दिन एक छोटा सा बालक उधर से गुजरा और उनसे प्रसाद में खीर मांगी, लेकिन उन्हें नहीं दी। उसके अलावा उनके पास एक और विचित्र बात थी कि वो किसी भी नीच जात के व्यक्ति को छूते नहीं थे, उनको पास नहीं आने देते थे, उनको मंदिर में नहीं घुसने देते थे, उनको ठाकुर जी को भोग नहीं लगाने देते थे, उनको वहाँ पर आना निषिद्ध कर रखा और ना ही वो किसी भी व्यक्ति से बात करते थे। ऐसे में एक नज़दीक कुटिया के पास एक कोढ़ी रहता था। उसके पूरे शरीर से मवाद और पस बहता रहता था। एक दिन जब वो मंदिर में आया और साधु जी से बोला कि हे महात्मन, मुझे आप कृपया भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने दें, जिससे मेरा ये दुर्भाग्य, मेरे शरीर का ये कष्ट दूर हो जाए। तो उस साधु महात्मा ने कहा कि भगवान ने आज दिन तक मुझे दर्शन तो दिए नहीं, तुम्हें क्या दर्शन देंगे, अपने शरीर की काया तो तनिक देखिए। फिर क्या, वो कोढ़ी निराश मन से पास में ही कुटिया बनाकर दूर से ही भगवान श्री कृष्ण को नमन करता और हर दिन अपने घर में भगवान के लिए जो भी भिक्षा से रोटी मिलती उन्हें अर्पण करता। भगवान के मंदिर में ही छोटा सा श्री कृष्ण जी की मूर्ति उसने रख रखा था। नित्य प्रतिदिन उनकी सेवा किया करता जैसे वो साधु महात्मा किया करते। उधर हर दिन वो बालक रोज रोज आने लगा और रोज वो महात्मा से कहता, हे महात्मन मुझे प्रसाद दें। तो महात्मन उन्हें रोज भगा देते, कभी गाली देकर, कभी अपशब्द कह गए। एक दिन वो बालक उस कोढ़ी के यहाँ पहुँचा। जब वो कोढ़ी को देख रहा था तो कोढ़ी ने बड़े आदर और भाव से उन्हें अपने घर में बुलाया और बुलाने के बाद उनको रोटी खिलाई। फिर रेगुलर वही था, रोजाना वो आता और साधु महात्मा से कहता कि मुझे खीर का प्रसाद दे। एक दिन तो साधु महात्मा को इतना क्रोध आ गया, उन्होंने एक पत्थर उठाया उस बच्चे को दे मारा। बच्चे को पत्थर लगते ही उसकी खून सर से बहने लगा। सर से बहता खून लेकर जब वो आगे बढ़ा तो कोढ़ी के घर के सामने से गुजर रहा था। उस कोढ़ी ने उस बच्चे को बुलाया और उसको मलहम पट्टी की। जिस दिन उसको मलहम पट्टी की, बस उसी दिन से उसका कोढ़ ठीक होने लग गया। फिर क्या, हर दिन वो ऐसे ही कोढ़ी के घर आने लगा। जो सूखी रूखी रोटी होती वो खाता और प्रसन्न होकर घर चला जाता। एक दिन साधु महात्मा उधर नदी से आ रहे थे तो उस कोढ़ी व्यक्ति कुटिया में देखा तो वो कोढ़ी न दिखकर बड़ा ही स्वरूपवान हो चुका था। उसका कारण वो जानने के लिए उसके पास पहुंचे तो उसने बताया कि मैंने जीवन में भगवान की आराधना सच्चे मन से की है और शायद इसी कारण से मेरी जो भी शारीरिक पीड़ा थी वो दूर हो गई। पर उस कोढ़ी को तो यकीन ही नहीं हुआ। वो बच्चा फिर रोजाना की तरह उनके पास आया। इस बार साधु महात्मा ने उसे फिर भगाया, लेकिन इस बार उनके दिमाग में आश्चर्य था कि ये बच्चा यहाँ जाकर कोढ़ी के घर क्यों गया। वो बच्चे का पीछा करते हुए उस कोढ़ी के घर को जा रहे थे। और उस साधु को दिखाई दी। जब उस साधु ने देखा तो कोढ़ी के घर जाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जा गया। हे प्रभु, आप रोज मेरे दरवाजे से होकर आते थे, मैंने आपको पत्थर तक मार दिया और आपने मेरे घर का लड्डू चावल खीर नहीं खाया और इस कोढ़ी के घर का सूखा रोटी खाया। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हम तो हर दिन आते थे आपके पास और आप ही ने मुझे पत्थर मार कर भगा दिया। आप मूर्तियों में मुझे ढूंढते थे, हम तो इंसान रूप में आपके पास आए और आपने मुझे पहचाना ही नहीं। इस कोढ़ी ने पहचाना और मैं सूखी रोटियों में ही सुखी हो गई। तो सूखी रोटी में सुखी होने वाले ऐसे श्री कृष्ण भगवान को सत सत नमन और ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहिए। जो भी व्यक्ति आपके पास ज़रूरतमंद आए उसकी ज़रूरतों को समझे, उसकी ज़रूरतों को पूरा करें, यही एक सच्ची सेवा है, सच्ची भावना है। क्योंकि कहते हैं कि भगवान किस रूप में आपके पास आए ये कोई नहीं जानता, इसलिए इंसानियत और इंसान की सेवा में सदैव लगे रहें। राधे राधे।